हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे पादप प्रतिस्थापन, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पादप प्रतिस्थापन, पादप प्रतिस्थापन क्या है कि जब किसी पादप प्रजाति को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जो पहले वहाँ पर पाई या उगाई नहीं जाती हो, उसे पादप प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसका अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात पादप प्रतिस्थापन एक देश से दूसरे देश में किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है, अर्थात एक प्रांत से दूसरे प्रांत में किया जा सकता है, जिसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके दो प्रकार हैं। नंबर एक, प्राथमिक पादप प्रतिस्थापन। प्राथमिक पादप प्रतिस्थापन नंबर दो है द्वितीयक पादप प्रतिस्थापन। प्राथमिक पादप प्रतिस्थापन क्या होता है कि जब किसी पुरस्थापित किस्म को बिना चयन के नई किस्म के रूप में विमोचित कर खेतों के लिए वितरित किया जाता है, उसे कहा जाता है प्राथमिक पादप प्रतिस्थापन। द्वितीयक पादप प्रतिस्थापन क्या होता है कि जब विमोचित किस्म यानी जो पुरस्थापित किस्म होती है उसका चयन करके तथा किसी स्थानीय किस्म से संकरण करा के उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है, उसे कहा जाता है द्वितीयक पादप प्रतिस्थापन। तो ये इनका डिटेल में आप अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पादप प्रतिस्थापन की प्रक्रिया क्या है। मेन अपना जो टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे, पादप प्रतिस्थापन की प्रक्रिया। पादप प्रतिस्थापन की प्रक्रिया के निम्न बिंदु हैं। नंबर एक, अर्जन। नंबर दो, संग्रोध। नंबर तीन, सूचीबद्धन। नंबर चार, मूल्यांकन। नंबर पाँच, गुणन। और नंबर छः, वितरण। तो सबसे पहले अर्जन की बात करेंगे कि वांछित जर्म प्लाज्म या किस्म को प्राप्त करना एक प्रकार से क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। संग्रोध क्या होता है कि इसके अंदर आयातित बीज या पादप उत्पाद होते हैं, उनको रोग, कीट व खरपतवार से मुक्त रखने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है, संग्रोध। उसके बाद में आता है सूचीबद्धन। इसके अंदर ब्यूरो से प्राप्त होने वाले विभेद होते हैं, उनको क्रम संख्या में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे उसकी प्रजाति, किस्म है, अनुकूलन है, अन्य लक्षणों का एक प्रकार से क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सूचीबद्धन बोलते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन में एक प्रकार से उपज परीक्षण किया जाता है, जिसकी गुणवत्ता अर्थात उपज, रोग प्रतिरोधकता आदि की क्या की जाती है, जाँच की जाती है, मूल्यांकन प्रक्रिया में होता है। गुणन का मतलब होता है वृद्धि करना, कि जो एक प्रकार से विभेद होता है उसकी संख्या में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, जिसे एक प्रकार से क्या कहा जाता है, गुणन कहा जाता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। वितरण क्रिया होती है जो बीज निगम केंद्र होते हैं,
बीज निगम केंद्र होते हैं उनके द्वारा एक प्रकार से क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो ये एक प्रकार से पादप पुरस्थापन प्रक्रिया के क्या हैं, बिंदु हैं। तो ध्यान रहे कि इसमें अर्जन होता है, संग्रोध होता है, सूचीबद्धन होता है, मूल्यांकन होता है, गुणन होता है और वितरण होता है। तो आप समझ चुके होंगे पादप पुरस्थापन क्या है कि जब किसी पादप प्रजाति को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जो वहाँ पर पहले पाई या उगाई नहीं जाती हो उसे क्या कहा जाता है, पादप पुरस्थापन कहते हैं। और पादप पुरस्थापन के दो प्रकार हैं, एक प्राथमिक पादप पुरस्थापन जिसमें पुरस्थापित किस्म होती है जिसका बिना चयन के नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक पादप पुरस्थापन। और द्वितीयक पादप पुरस्थापन क्या होता है कि जो पुरस्थापित किस्म होती है उसका चयन करके तथा किसी स्थानीय किस्म से संकरण करा के उनका क्या किया जाता है, एक प्रकार से नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है, उसे द्वितीयक पादप पुरस्थापन कहते हैं। और उसके बाद में जो बात कर रहे थे पुरस्थापन प्रक्रिया के बिंदु जो आपको अभी बताए गए, अर्जन है, संग्रोध है, सूचीबद्धन है, मूल्यांकन है, गुणन है और वितरण है। तो ये आज का अपना टॉपिक इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।